एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं यूट्यूबर सुधा स्वागत कर रही हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरा वीडियो व्लॉग देख के एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी, और वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इडली की रेसिपी। तो आप सोचेंगे इडली की रेसिपी में ऐसा क्या है, सबको आती है, इसमें क्या है, चलो वीडियो जो छोड़ो, चलो देखते हैं इसको, नहीं देखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। क्योंकि आज की जो इडली है वो थोड़ी अलग टाइप की इडली है। तो ये साउथ की एकदम ऑथेंटिक जो होती है ना, थोड़ी टिपिकल जो कह सकते हैं कि हर कोई को नहीं पता होता है, तो उस तरह की है रेसिपी, जिसको अभी ज्यादा इतना ज्यादा क्या कहते हैं नाम नहीं मिला। जैसे ये छोटी वाली और जो गोल वाली इडली हम छोटी वाली खाते हैं तो उसको सब जानते हैं, बाहर भी, साउथ से बाहर भी जानते हैं, बट ये इडली को साउथ से बाहर बहुत ही कम ही लोग जानते होंगे। तो आज मैं आप लोगों को थट्टे इडली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो थट्टे इडली इडली की तरह ही होता है, बस सेम चीजें ही होती हैं, बट उसका सांचा अलग आता है और उसको बनाने का शेप और जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। और जो आप नॉर्मल इडली खाते हैं उसको आप सॉफ्ट कैसे बना सकते हैं, उसको एकदम व्हाइट कैसे बना सकते हैं, ये ट्रिक भी आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप उससे जो आप देखते हैं, आप नॉर्मल इडली बनाते हैं तो आपकी इडली में हल्का सा ऑफ व्हाइट कलर आता है, बट आपको एकदम व्हाइट कलर साउथ जैसी इडली चाहिए। जैसे साउथ की आप इडली आपने को कभी खाई होगी तो कि एकदम साउथ वाले जो अभी दिल्ली वगैरह में भी या फिर इधर भी कोई साउथ वाली दुकान होती है ना, वहां पर जाके आप इडली खाएंगे तो उनकी इडली देखिए एकदम व्हाइट कलर की होती है और बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो बस वैसे ही इडली हम बनाएंगे आज, और ऐसे ही बैटर आप लोगों को बनाना सिखा दूंगी, ये आप लोग हमेशा ही बनाएंगे। और जो थट्टे इडली है उसका स्पेशल स्टैंड होता है, तो वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को स्टैंड की कैसा होता है। तो ये है थट्टे इडली का स्टैंड कुछ इस तरीके से, और इसमें बनाई जाती है थट्टे इडली। तो ये थोड़ी काफी बड़े साइज की इडली होती है, एक प्लेट के बराबर ही समझिए, क्वार्टर प्लेट ही समझिए इसको। इसको खोलने के लिए हम इस तरीके से इसको सरकाएंगे और यहां से ये प्लेट्स ऐसे निकल जाती है, और इन प्लेट्स के अंदर ग्रीस करके ऑयल या घी का, और फिर बैटर डाल के हम इसको स्टीम ही करते हैं जैसे नॉर्मल इडली स्टीम की जाती है। तो बस ये इतने बड़े साइज की इडली बनती है और इतनी ऊंची होती है, तो ये दो तीन भी अगर आप खा लेते हो तो आपका पेट तो एकदम भरी जाना है। तो ये साउथ की फेमस इडली होती है थट्टे इडली। तो ये मैं आप लोगों का जिसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो इसके पीछे एक छोटी सी मजेदार कहानी, वो भी आप लोग सुन लीजिए कि ये स्टैंड मेरे पास आया कैसे। तो एक्चुअली मेरे पिताजी, मेरे पापा डैडी गए थे मेरे दादा दादी को रामेश्वरम तीर्थ कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए रामेश्वरम के साउथ में। तो वहां पे उन्होंने शॉप्स पे, मतलब शॉपिंग करते टाइम पे देखा होगा ये स्टैंड, तो उनको लगा होगा कि ये ढोकला स्टैंड है, तो वो ढोकला स्टैंड समझ के इसको लेके आए थे कि इसमें ढोकला बनता है। तो घर पे लाके इन्होंने बताया कि इसमें ढोकला बनाया जाता है, ढोकला बनाना तुम लोग। तो पापा हमेशा से खाने पीने के शौकीन रहे हैं, तो वो इन सब चीजों पे स्पेंड करते रहे हैं कि कोई भी चीज हो तो कुछ नया दिखना चाहिए, तो वो ले लेते हैं कि घर पे ट्राई करो बनाओ। तो उन्होंने ढोकला स्टैंड ला के दिया हमें, एक दो बार इसमें ढोकला का भी बनाया होगा, बट उतना नहीं अच्छा बनता है भाई ढोकला। और काफी दिनों बाद अब जाके पापा ने कहा कि सुधा को दे दो, वो रेसिपीज बनाती रहती है तो कुछ ना कुछ तो इसका यूज कर ही लेगी। तो फिर मैंने इसको सर्च किया यूट्यूब पे कि ये है क्या, तो पता चला कि ये थट्टे इडली का स्टैंड है और ये बहुत ही फेमस है साउथ की इडली। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए, इसकी रेसिपी शेयर की जाए, हो सकता है जैसे हमें नहीं पता था वैसे बहुत लोगों को ना पता हो कि ये थट्टे इडली का स्टैंड होता है और इसमें इडली बनाई जाती है और बहुत ही अच्छी यमी इडली बनके तैयार होती है। इसमें एकदम सॉफ्ट मुलायम, इसकी स्पॉन्जीनेस आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो पूरे वीडियो को देखिएगा, दिखाऊंगी, बहुत अच्छी इडली बनेगी। तो यहाँ थट्टे इडली की स्टैंड की कहानी हो गई है, तो चलिए हम लोग इसका जो बैटर बनेगा इडली का, वो बैटर बनाऊंगी, और बैटर में हम कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिसकी वजह से जो हमारी इडली है एकदम सफेद और एकदम सॉफ्ट बनने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, पूरी वीडियो एंजॉय करिए, और लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू कर, तो चलिए वीडियो को। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास है धुली हुई उड़द दाल जिसे मैंने भिगो लिया है। तो इस कटोरी से एक कटोरी है, और ये साबूदाना है जिसे भी हमने ओवरनाइट सोक किया हुआ है, तो ये भी एक कटोरी है। और यहाँ पे यही सेम कटोरी से दो कटोरी चावल है। तो आपने अक्सर सुना होगा इडली के लिए तीन कटोरी चावल और एक कटोरी दाल होना चाहिए, बट ये गलत है।
दो कटोरी दाल होना सॉरी दो कटोरी चावल होना चाहिए, एक कटोरी दाल होनी चाहिए और एक कटोरी आपकी साबूदाना होना चाहिए। तभी जो आपकी इडली है वो एकदम सफेद बनती है और एकदम सॉफ्ट बनती है इस साबूदाने की वजह से। तो यही हमारा छुपा हुआ इंग्रेडिएंट है, छुपा हुआ राज है। कभी बना के ट्राई करिए, आप लोगों की इडली बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट बनने वाली है। तो ये साबूदाने को मैंने एक कटोरी लिया है और रात में पूरी रात भिगो दिया है, सुबह से पानी छान लिया इसका, तो देखिए फूल के थोड़ा कटोरी से ऊपर भी हो गया है। इसी तरह से हम दाल का भी है, और ये देखिए फूलने के बाद इस तरीके से है, जैसे हम साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए भिगोते हैं उसी तरीके से ये साबूदाना है हमारा। तो इसी से हमारी इडली बहुत ही सफेद बनने वाली है। और ये उड़द की दाल है, इसे भी मैंने इस कटोरी से एक कटोरी लिया है, बट थोड़ा फूल के ऊपर तक ज्यादा दिख रही है। और ये हमारे चावल हैं, आप कोई भी चावल जो नॉर्मली घर में खाते हैं वो चावल ले सकते हैं, और अच्छे से धो के उसे 2-3 बार पानी से, और उसे पूरे रात के लिए भिगो दें, और सुबह उठ के इसे मिक्सी में पीस लें। बहुत ही प्यारा सा एकदम फाइन पेस्ट, मतलब एकदम जैसे दुरदुरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए चावल का पेस्ट मैंने ऑलरेडी बना लिया है, अब दाल को भी पीस के और चावल के बैटर में ही मिला दूंगी। ये सब प्रोसेस मैं इतना ज़्यादा डीपली में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि सबको ही पता होता है, सबको ही आता है। तो चलिए इसको पीस के मिला देते हैं चावल के ही बैटर में। तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के, उड़द की दाल पीसते समय पानी ज़रूर डालें, इससे आपका जो, बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा डालें, इससे जो आपका जो मिक्सर है उसके ऊपर भी ज़्यादा मोटर पे उसका जोर नहीं आएगा, वरना उड़द की दाल थोड़ी भारी होती है पीसने में। तो देखिए दाल भी पीस गई है, अब हम बारीक आती है साबूदाने की। तो साबूदाने को पीसेंगे हम, तो बस ऐसे डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और पीसते जाएंगे इसको, एकदम इसका भी स्मूथ बैटर बना लेना है हमने। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम गाढ़ा सा साबूदाने का बैटर हमारा तैयार हो गया है, और ये बैटर भी हम मिला देंगे दाल चावल वाले बैटर में, और इनको मिला के अच्छे से मिक्स करना है स्पून लेके, ताकि सारा जो दाल चावल और साबूदाना है सब बैटर एक में अच्छे से मिल जाए। और इसमें एक और चीज़ आपको डालनी है, वो है नमक। नमक आपको तभी डालना है अगर आप इडली गर्मियों में बना रहे हैं। गर्मियों के टाइम में आप बना रहे हैं तो जब हम इडली को फर्मेंट होने के लिए रखते हैं तो उसमें देखते हैं स्मेल आ जाती है, वो स्मेल अच्छी नहीं लगती। कभी कभी जब खाते हैं तो वो स्मेल आती है, थोड़ी गंदी सी स्मेल आती है, जैसे सड़ने वाली स्मेल। तो स्मेल से बचने के लिए होता है नमक, और नमक डाल देंगे तो आपकी स्मेल नहीं आएगी। और सर्दियों के टाइम अगर आप फर्मेंट कर रहे हैं तो नमक डालने की जरूरत नहीं है, डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं। तो अभी सर्दियों का टाइम है तो मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, और इसको धूप में रखूंगी ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए पूरे दोपहर। तो यहाँ पे देखिए पूरे दोपहर में हमारी इडली का जो है वो फर्मेंट हो चुका है बैटर। तो फ्रेंड्स जो हमारा 30 इडली का स्टैंड है वो हमारे कुकर में पूरा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं इसे कढ़ाई में स्टीम करूंगी। और आप देख रहे होंगे छोटी वाली इडली मैं क्यों बना रही हूँ, तो ये सिर्फ द्रोही के लिए अभी बना रही हूँ, क्योंकि द्रोही ने बोला है कि पहले मुझे बना के छोटी वाली दे दो, तो फिर मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी भी दिखाने वाली हूँ इसी में। तो जैसे नॉर्मली हम इसमें ग्रीस करते हैं, ऑयल लगाते हैं और उसके बाद हमारा जो भी बैटर है उसको डाल के स्टीम करते हैं, सेम वही प्रोसेस भी करना है। तो वह मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरा कैमरा ही ऑफ हो गया, तो अभी मैं आप लोगों को स्टीम होने के बाद का दिखाऊंगी। प्रोसेस सेम वही है, उसको भी आप लोग ऐसे ऑयल लगा के पूरा ग्रीस करेंगे और उसके बाद उसमें बैटर डाल के स्टीम कर लेंगे। और स्टीम मैं इस तरह से कढ़ाई में स्टैंड रख के ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कुकर जो है उसके अंदर ये ऊंचा है थोड़ा सा स्टैंड 30 इडली वाला, तो वो उसके अंदर आ नहीं रहा है, तो मैं कढ़ाई में ही करूंगी। तो आप लोग भी घर पे, आपके पास इडली स्टैंड नहीं है कोई ज़रूरत नहीं, आप तब भी इडली खा सकते हैं। बस कढ़ाई रखिए, उसमें इस तरह से जो स्टैंड आता है उसको रख लीजिए, और उसके ऊपर कटोरियों में भर के, आप छोटे छोटे कप्स में कटोरियों में आप इडली थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के और उसको स्टीम करके और बना सकते हैं, और आप इडली का एंजॉय कर सकते हैं। इडली की ज़रूरी नहीं है कि कोई शेप हो, इस तरह से गोल गोल इडली हो तभी आप इडली खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छे से इडली बनाइए, जिस चाहे जिस शेप की जिस मर्जी की वैसे बनाइए और खाइए। तो 30 इडली जैसी प्लेट हो आपके पास घर में तो उस प्लेट में भी आप बना सकते हैं और इडली। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी इडली बन चुकी है, और कितनी सॉफ्ट इडली बनी है, आपने इसकी फ्लफीनेस दिखी ना, मैं इसको हिला रही हूँ तो एकदम झूल रहा है, जैसे इस तरीके से इतना सॉफ्ट बना हुआ है और उतना ही दिखने में सुंदर और सफेद है। तो ये देखिए हमारी इडली बन चुकी है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इडली की रेसिपी 30 इडली की अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे मैंने प्लेट सर्व कर दी है पांडे जी के लिए और द्रोही के लिए, और उन्हीं बैटर से थोड़े से डोसे भी एक दो बना दिए थे। और ये देखिए छोटी वाली इडली भी बनाई है मैंने, ये भी बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पॉन्जी और सफ़ेद सफ़ेद बनी है। तो इस तरीके से आप बैटर बना सकते हैं और फुली फुली सॉफ्ट सफ़ेद इडली बना सकते हैं, 30 इडली भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इडली स्टैंड हो तभी आप इडली बना पाएं, कटोरी के अंदर भी प्लेट के अंदर भी आप इडली बनाकर इडली का आनंद और मज़ा ले सकते हैं। तो बस आपका बैटर अच्छा बना होना चाहिए, शेप चाहे जो भी हो, कढ़ाई के अंदर इसे स्टीम करें और बना के खाएं बिना इडली स्टैंड के ही। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये इडली कितनी सॉफ्ट है।
और एकदम फ्लफी है, तो बस ऐसी इडली बनाइए और खाइए और एंजॉय करिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए और जल्दी जल्दी से वापस आइए दूसरी वीडियो के लिए। और चैनल पर नए आए हैं तो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमारी फैमिली में शामिल हो जाइए। तो चलिए मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।